हेलो फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपको फेस से जुड़े बालों की समस्या के समाधान बताने जा रही हूँ। फेशियल हेयर जो सभी लोगों को होते हैं, अगर लड़कियों को हो तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। इसका सबसे पहला बड़ा कारण है जेनेटिक। कई लोगों के शरीर पर और चेहरे पर जन्म से ही बाल होते हैं। इसका बड़ा कारण फेशियल हेयर ग्रोथ का है, हार्मोन्स डिसबैलेंस, जिससे हमारी बॉडी में स्टेरॉइड हार्मोन्स की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, जिससे आपके फेस और बॉडी में बालों की समस्या होती है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है वह है आजकल लोग केमिकल से बने क्रीम का यूज़ गोरा होने के लिए करते हैं, वह भी कहीं ना कहीं फेशियल हेयर ग्रोथ का कारण होते हैं। चौथा जो कारण है वह है बार बार फेशियल फेस की थ्रेडिंग, वैक्सिंग और ब्लीचिंग करवाना। यह करवाने से स्किन तो ख़राब होती ही है, साथ ही साथ आपके फेस पर जो छोटे छोटे और मुलायम बाल होते हैं वह भी उखड़ जाते हैं और धीरे धीरे मोटे हो जाते हैं। बार बार बालों की थ्रेडिंग और वैक्सिंग करवाने से हमारे चेहरे को से जो रोम छिद्र है वह भी खुल जाते हैं और इनमें कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाते हैं फ्रेंड, और आहिस्ता आहिस्ता पिंपल्स और डार्क सर्कल्स भी होने लगते हैं। पांचवा और जो सबसे बड़ा कारण फेशियल हेयर ग्रोथ का है वह है हेल्थ फूड एंड हेल्थ सप्लीमेंट्स। इनमें कई बार स्टेरॉइड, मेल हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन्स मिलाए जाते हैं, जिससे फेस में बाल उगने लगते हैं, स्किन ऑयली हो जाती है और पिंपल्स होने लगते हैं, और कई लोग तो गंजे भी हो जाते हैं। अब मैं सबसे पहले फेशियल हेयर ग्रोथ के बारे में आपकी कुछ गलत फहमियाँ दूर करना चाहती हूँ। पहला है कि फेस पर तेल लगाने से हमारे फेस पर बाल उगते हैं। यह फ्रेंड बहुत ही गलत फहमी है कि कोई भी तेल लगाने से हमारे फेस पर बाल उगते हैं। हमारे फेस पर बाल नहीं उगते हैं अनलेस उस तेल के अंदर कोई हार्मोन्स या बाल बढ़ने की दवाई मिलाई ना गई हो। अब एक बात यह और है कि फेशियल हेयर ग्रोथ का कोई परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं होता है, इसलिए लेज़र क्लिनिक्स भी आजकल अपने बोर्ड पर परमानेंट हेयर रिडक्शन लिखते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल कोई नहीं लिखता। लेकिन गुड न्यूज़ यह भी है कि इन बालों को अच्छी तरह से कंट्रोल भी किया जा सकता है फ्रेंड, और वह भी अपनी स्किन को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इस तरह फेस से बाल भी निकाले जा सकते हैं, वह भी ना मोटे होते हैं और ना ही उनकी संख्या बढ़ती है और ना ही वह लंबे होते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपके फेस पर बहुत बाल हैं लेकिन वह सॉफ्ट हैं और मीडियम सॉफ्ट क्वालिटी के हैं, तो पहले आप अपने फेस की अच्छी तरह से वॉश करें, फिर उस पर कोई मॉइस्चराइज़र या विरिजिन कोकोनट ऑयल लगाएं और उसके बाद अपने फेस हेयर को एक क्लिपर लेकर काट लीजिए। यह क्लिपर आपको किसी भी अच्छी कॉस्मेटिक शॉप में अच्छी कंपनी जैसे कि फिलिप्स या ब्राउन की अच्छी क्लिपर मिल जाएगी। क्लिपर को हमेशा बालों के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में चलाना चाहिए। अपने घर में ही अपने से ही बहुत ही सिंपल तरीके से बाल निकालने का यह एक बहुत ही सिंपल तरीका है। क्लिपर से बाल निकालने पर आपकी स्किन को कोई नुकसान नहीं होता है, कोई इन्फेक्शन आपकी स्किन के अंदर नहीं जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपके बाल के जड़ों से निकलते हैं, और बाल जड़ों से ना निकलने के कारण आपके बाल जैसे हैं पतले हैं, मीडियम हैं, वैसे ही रहते हैं, मोटे नहीं होते। अपने घर पर ही अपने आप से बाल निकालने का यह सबसे आसान और साफ सुथरा तरीका है। क्लिपर थोड़ा महंगा होता है लेकिन मजबूत होता है और कई साल तक अच्छे से चलता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनके बाल बहुत मोटे होते हैं और क्लिपर से काटने के बाद भी काले काले डॉट जैसे फेस पर दिखाई देते हैं। आप लोगों को पहले लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, कुछ सीटिंग लेनी चाहिए। लेने के बाद बाल पतले हो जाते हैं और कम भी हो जाते हैं। अब आपके बाल पतले और कम हो जाते हैं तो उसके बाद आप क्लिपर का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड।